Hi friends, welcome to the desk. Friends, how are you? Well, friends, today I am going to teach you about use of perhaps, probably and possibility. Okay friends, आज मैं आपको perhaps, probably और possibility का इस्तेमाल बताने जा रहा हूँ. इन तीनों के इस्तेमाल में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, हमेशा कंफ्यूजन में रहता है कि पॉसिबिलिटी, प्रोबेबली एंड परहैप्स का इस्तेमाल हम कब कब और किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं और किन स्थितियों में करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम यही सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, तीनों एक ही जैसे लगते हैं सुनने में, बट तीनों के अर्थ में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है. ठीक है फ्रेंड्स, परहैप्स का मतलब भी शायद होता है, संभव होता है. प्रोबेबली का मतलब भी संभव, शायद, और पॉसिबल की मतलब भी वही होता है, संभव. ठीक है फ्रेंड्स, बट इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से, अलग अलग तरीके से करेंगे और अलग अलग सेंटेंस के लिए करेंगे, अलग अलग अर्थ के लिए करेंगे, आज हम वही सीखेंगे. ओके फ्रेंड्स, कम शायद आज वर्षा हो, शायद आज वर्षा हो. अगर हम ये बात पूरे मतलब संभावना के साथ कह रहे हैं तो वहां पर अलग होगा. अगर थोड़े कम संभावना के साथ हम कह रहे हैं, मीन्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वहां पर हम अलग बनाएंगे, तो वहां पर हम अलग तरीके से बनाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स अगर हो सकता है, जैसे क्या है, शायद आज वर्षा हो, शायद आज वर्षा हो, मतलब बहुत कम उम्मीद रखते हैं हम होने की, तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, परहैप्स या मे का भी इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं. जैसे हम बना रहे हैं, शायद आज वर्षा हो, तो इट मे रेन टुडे. ओके फ्रेंड्स, या परहैप्स, परहैप्स इट विल रेन टूडे. ओके, इट मे रेन टूडे, परहैप्स इट विल रेन टूडे, ये बहुत ही कम संभावना के साथ बात कही जाती है, इसलिए हम परहैप्स या मे का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें. मीन्स ना के बराबर है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकती है बारिश. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इट मे रेन या परहैप्स इट विल रेन टूडे, ये इस तरह के सेंटेंस बनाने से ये मतलब निकलता है कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. ठीक है फ्रेंड्स, संभव है कि आज बारिश हो, तो यहाँ पर अगर हम ज़्यादा संभावना के साथ कह रहे हैं, ज़्यादा ही हम संभावना के साथ कह रहे हैं, तो यहाँ पर हम प्रोबेबली का इस्तेमाल करेंगे. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबली इट विल रेन टूडे, प्रोबेबली इट विल रेन टूडे. ओके, मीन्स इससे हम ज़्यादा संभावना के साथ कह रहे हैं कि मतलब बारिश होने की संभावना ज़्यादा है. ओके फ्रेंड्स, अब ये हो सकता है आज वर्षा हो, तो हो सकता है आज वर्षा हो. अगर हम यही बात दोनों सारे के सारे सेंटेंस एक ही जैसे बोले जा रहे हैं हिंदी में, बट अगर हम इसको और भी ज़्यादा संभावना के साथ हम एटमोसफियर को देख कर बोल रहे हैं कि मतलब आज शायद बारिश होगी, एटमॉस्फेयर को हम देख रहे हैं, बादलों को देख रहे हैं कि आज तो बहुत सारे बादल हैं, आज बारिश हो सकती है. मीन्स हम थोड़ा ज़्यादा विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आज बारिश हो सकती है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे कि इट इज़ पॉसिबल दैट इट विल रेन टुडे. ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से ये सेंटेंस है, हो सकता है ट्रेन जल्दी पहुंचे, हो सकता है ट्रेन जल्दी पहुंचे, मतलब ट्रेन के अंदर हम बैठे हैं और ट्रेन बहुत फास्ट चल रही है, तो हम स्थिति को देखकर, परिस्थितियों को देखकर, माहौल को, एटमॉस्फेयर को देखकर ये अंदाज़ा लगाते हैं और ज़्यादा संभावना हम जताते हैं, तो वहाँ पर हम इस तरह किससे बनाते हैं कि इट इज़ पॉसिबल. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं इट इज़ पॉसिबल that the train will reach soon. Okay friends,
यह था परहैप्स, प्रोबेबली एंड पॉसिबल का इस्तेमाल। आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि जब हम किसी भी बात को संभावना के साथ कहते हैं, उसमें मतलब कम संभावना हो, होने की संभावना कम होती है, या हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो उसको हम ये पहला फॉर्मूला मे लगाकर या परहैप्स लगाकर हम बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर उससे ज़्यादा संभावना हो तो प्रोबेबली लगाकर हम बनाते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा संभावना हो, जैसे हम एटमोसफियर को देखकर स्थिति और परिस्थितियों का आकलन करके हम अगर बताते हैं ज़्यादा संभावना के साथ, तो हम उसको इस तरीके से पॉसिबल लगाकर बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा अच्छी तरह से। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।